वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 40 ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन किल जस्य गोपबध्वः मुनिगण निरपवर्ज संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूययेषाम् अरहणमुपपेदैक्षणीयो मम दृशिगोचर एषया विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजाम् हृदि हृदि धिष्ठितं आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकर्धार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सन्तः श्वासोपारमात् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तुष्णीं वयांसेव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादितः सशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुर्मुनयो हृष्टः कृष्णं तद्गुह्य नामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाभयां पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पित्रि पैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिर राज प्रलम्भो नाम नवमोऽध्याय। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन किल जस्य गोपबध्वः मुनिगण निरपवर्ज संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राज सूययेषा अर्हणमुपपेद इच्छणीयो मम दृशि गोचर एष याविरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्ठितं आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकर्धार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सबसे भिन्न छंद में ही स्तुति है। तो श्री भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के सारथ्य शोभा की याद करके अब यह याद करते हैं कि ब्रज की गोपियाँ जिन प्रभु से इतना प्रेम करती थी उनके चरणों में मेरी रति हो। भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाएं हैं, कहीं वे क्षत्रिय आवेश में हैं, युद्ध का संचालन कर रहे हैं, और कहीं वे गोचारक हैं, दही भी चुराते हैं, गाय चरा रहे हैं, और वही श्री गोपी जनों से उनका अद्भुत प्रेम है। श्री कृष्ण कुछ भी लीला करें वही श्री कृष्ण हैं, भेद नहीं है। कि तो भीष्म पितामह अब गोपियों के प्रिय श्याम सुंदर की याद कर रहे हैं, उन लीलाओं की याद कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं ललित गति विलास बल गुहास। ललित गति श्री कृष्ण की चाल से रास लीला आदि, तो श्री कृष्ण के ललित गति सुंदर चाल नृत्य आदि से और उनके विलास, विलास का अर्थ है यहाँ अद्भुत ढंग से पोशाक पहनना, अपने जीट जाट में रहना, इसको श्री कृष्ण इस तरह से पोशाक पहनते थे, अलंकार धारण करते थे, जो श्री गोपी जनों के लिए अत्यंत आकर्षण का विषय था। और निरीक्षण, प्रणय निरीक्षण, प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन से देखना, तो श्री कृष्ण इन सब विशेषताओं से गोपियों का बहुत सम्मान करते थे। उनके लिए यही आदर था, यही सम्मान था, सुख था कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनको देखें। बलगुहास प्रणय गति, ललित गति और बलगुहास, और इसके बाद प्रणय निरीक्षण, इन सब के द्वारा
श्री कृष्ण गोपियों का सम्मान करते थे। जिनका इस तरह से सम्मान होता था और श्री कृष्ण के महाप्रेम में वे उन्मदान थी, प्रेमोन्माद में अंधी हो गई थी। अंधी का यह अर्थ है कि श्री कृष्ण के चिंतन के अलावा, श्री कृष्ण की लीलाओं के आवेश के अलावा घर का, देह का, स्वजनों का, जिन्हें कोई भी या स्मरण नहीं रहता, इसको अंधा कहते हैं, उन्मदान। कृष्ण प्रेम के उन्माद से अंधी थी, विवेक शून्य। कृष्ण के अलावा और किसी की याद नहीं आती थी। जहाँ याद नहीं आती थी तो फिर लोक लज्जा आदि का क्या प्रश्न है कि घर के बड़े लोग, सास ससुर क्या कहेंगे, या ये कुलवधू का धर्म है अपने पति से प्रेम करना, पति के संबंधियों की सेवा करना। इसकी जब पति आदि की याद ही नहीं आती थी तो पतिव्रता के धर्म की क्या बात आएगी। भगवान श्री कृष्ण इतना आकर्षक हैं, इतना सुंदर हैं और उनकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं कि उसको देख करके, याद करके गोपियों का विवेक नष्ट हो जाता था। कुछ भी कृष्ण के अलावा याद नहीं रहता था। तो इसमें भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, पहले ललित गति से नृत्य चाल। श्री कृष्ण जो चलते हैं उनकी साधारण जो चाल है वो है नाट्यम गमनम। अपनी गमनम नाट्यम, अगर वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नाच रहे हैं और वो नाचते हुए ही चलते हैं। वृंदावन में, गोलोक में कोई भी व्यक्ति चलता है तो नाचने जैसे चलता है, आनंद से, झूमते हुए, खुशी से। ऐसा नहीं कि भार चिंता का है, डिप्रेशन है और चलना भी अच्छा से आदमी नहीं सीख है ना। कौन नाचते हुए चलेगा, जो बिल्कुल सुख में है, आनंद में है। ललित गति इसको कहते हैं। गोचारण करते करके आते हैं तो झूमते नाचते हुए आते हैं। ग्वाल बाल नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाचते नाचते ही आते हैं और नाचते नाचते वन में जाते हैं। गौओं को चराते हैं तो गीत गाते हुए चरा लेते हैं, घेर लेते हैं गांवों गौओं को, अपने कंट्रोल में रखते हैं अपने सुरीली आवाज से। तो ललित गति का अर्थ है श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, रासलीला में नृत्य करते हैं या जहाँ तहाँ सखाओं के साथ नृत्य करते हैं या चलते हैं, तो उनकी चाल, उनकी नृत्य गति अत्यंत आकर्षक है, मनोहर है। इसको कहते हैं ललित गति। एक भक्त ने लिखा है कि श्री कृष्ण के जिस अंग पर जिसका नेत्र गया, कोई भी भक्त हो, चाहे वो भीष्म पितामह हैं या श्री गोपीजन हैं या ब्रज के सखा हैं या कोई भी संत महात्मा, जो श्री कृष्ण को देखे तो जिस अंग पर दृष्टि पड़ी वहाँ से फिर नेत्र को हटा नहीं पाए, और विशेष करके गोपियाँ, जो वनमाला देखी तो वहीं झूलती रह गई, मतलब उसका मन वहीं रम गया। किसी ने मोर मुकुट देखा तो वहीं बस चित्त फहराता रहा, वहाँ से हटता ही नहीं। हटे तब न जब जी उबे वहाँ से। तो श्री राधा रानी का एक पद है, एक भक्त ने गाया है, सखी वे लोग धन्य हैं जो श्याम सुंदर को भर आँख देखते हैं और उनके सर्व अंग की शोभा देखते हैं। मैं तो उनके ललाट के तिलक को देखती रह गई और तब तक इसी बीच वो चले गए। तिलक के अलावा और कुछ देखी ही नहीं, अथवा देखने के बाद भी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, भाव ये है। तो जो वनमाला देखा वहीं लटक गया, वो लेखक लिखते हैं, जो उनके पीताम्बर को फहराते हुए देखा बस वहीं फहराता रह गया।
जो कानों में कुंडल झूलते हुए देखा बस झूलता ही रह गया, और मोरपंख को देखा और वहीं पर लहराता रहा। जो उनके आँखों को देखा, और खास करके श्री गोपीजन आँखों को देखी और तिरछी चितवन को, तो वो बिल्कुल बर्छी जैसा कलेजा में लग गया। फिर अब और किसी की याद ही नहीं रही। बर्छी जैसा लग जाने का मतलब है कि वो गड़ गया, उसकी स्मृति जाती नहीं है कहीं किसी भी उपाय से। गोपीजन तो योग साधना करती हैं किसी तरह से कृष्ण को भूल जाए, भूलने की साधना करती हैं गोपियाँ कि श्याम सुंदर की याद न आवे तो हम घर का काम धंधा करें। लेकिन वो इतना याद अधिकार करके हृदय पर चढ़ी हुई है कि हटते ही नहीं। तो भीष्म पितामह याद कर रहे कि श्री गोपीजन सम्मानित होती थी, अथवा श्री कृष्ण सम्मानित होते थे गोपियों की ललित गति से, विलास से, मधुर मुस्कान से और प्रेमपूर्ण चितवन से। चार चीज गिना रहे हैं ये। इन सब से श्री कृष्ण को का सम्मान करती थी, अथवा श्री कृष्ण के इन लीलाओं द्वारा श्री गोपीजनों का सम्मान होता था, सुख मिलता था। तो इतना वे प्रेम के उन्माद में थे, ये याद कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ अभेद भाव हो जाता था। आधा श्री कृष्ण का भाव रहता था और आधा गोपी का। तो कभी कभी कोई गोपी श्री राधा आदि बोलती थी, हे श्री राधे, तुमको देखे बिना मुझे विश्राम नहीं है, कृपा करके मान त्याग दो और मेरी तरफ देखो। ये कौन बोल रहा है? राधा रानी। श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा स्मरण होता है, चित्त पर चढ़ जाता है, कृतम अनुकृत्य। कृतम अनुकृतवत्य, श्री कृष्ण जो किए हैं, जो भी लीला किए, जैसे चलते हैं, तो उसी का अनुकरण श्री गोपीजन करती रहती थी। और भाव यह होता था, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण जैसा मुस्कुरा करके देखना, कृष्ण जैसा चलना, कृष्ण जैसा नृत्य करना। कृष्ण जो भी लीला करते थे श्री गोपीजनों को इतना प्रिय है कि वही याद करती रहती थी। जैसे सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि राधा रानी एक दिन श्याम सुंदर से कहती हैं कि श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं। मेरी बहुत इच्छा है कि श्याम सुंदर जैसे आप बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, वैसे मैं भी बजाना सीख जाऊं। आप हमको सिखाइए। तो पद है कि श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान भरो मुरली में, सोई सोई गाई सुनाऊं। आप जो जो राग अलापते हैं बंसी में, मेरी इच्छा है कि मैं भी वह सब गा गा करके सुनाऊं। श्याम तेरी मुझे भूषण तुम सब पहनो, मैं तेरो सब पाऊं। मैं जो जो पहनती हूँ वो आप पहनिए, और आप जो पहनते हैं आभूषण सब मैं पाऊं। मेरी बिंदिया तुम ही लगाओ, हाँ सिर मुकुट धराऊं। हमारी बिंदी आप लगाइए और आपका मुकुट मैं लगाऊंगी। इस तरह से इच्छा होती है कि मैं कृष्ण जैसा हूँ। ये कृष्ण के प्रेम के कारण, यह नहीं कि जैसे लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्म हो जाएं, वो भावना है।
प्रेम के कारण प्रियतम का चलना देखना बोलना पोशाक प्राणों के समान प्रिय लगता है। तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, मैं मिली ग्वाल लुटाऊं। आप राधा बनिए और आप दही बेचने जाइए और मैं मिलकर ग्वालों से लुटाऊंगी, मतलब मेरी सखियां ग्वाल बनेंगी और मैं कृष्ण बनूंगी और मैं लूटूंगी दही। तो प्रियतम का दही लूटना, छेड़खानी करना गोपियों से, यह उन्हें अतिशय प्रिय लगता है। अंतिम पद में कहते हैं कि सूरदास जी के, सूर श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाऊं। श्याम सुंदर तुम राधिका बनो और मैं नंदलाल कहाऊंगी, नंद बाबा का पुत्र। तो इस तरह से भीष्म पितामह ये सब याद कर रहे हैं। कृतम अनुकृतवत्य, प्रियतम श्याम सुंदर की क्रियाओं का, वेशभूषा का, उनके कृत्यों का स्मरण करती रहती थी। और उन्मदांधा, जो उन्माद से, प्रेमोन्माद से हत विवेक हो गई थी, और यहाँ तक कि प्रकृतिम अगन, जो श्याम सुंदर के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी, अगन मतलब प्राप्त हो गई थी, श्याम सुंदर जैसा बोलना देखना चलना, और यही भाव होता था कि मैं श्याम सुंदर हूँ। विरह के समय में भी आप लोगों ने देखा सुना है रासलीला में कि श्री गोपियाँ परस्पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगी और कोई को कहती है देखो मैं कृष्ण हूँ, हे ग्वालों तुम लोग देखो, सखियों से ही कह रही हैं, हे ग्वालों देखो मैं कितना सुंदर चलता हूँ, मेरी ललित गति देखो। तो थिरक थिरक कर नाचती थी, चलती थी श्याम सुंदर के भाव में। श्रीलजीव गोस्वामी पाद जी लिखे हैं कि श्री गोपीजन आधा कृष्ण का भाव और आधा गोपी का, ऐसी में वो आंदोलित रहती थी। हैं तो गोपी, अतः वह तो भाव रहेगा कि मैं प्रियतम श्याम सुंदर की प्रिया हूँ, लेकिन इसके साथ गाढ़ प्रेम में ऐसा भाव होता था कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही श्याम सुंदर हूँ। तो श्याम सुंदर जैसे जैसे बोलते थे वैसे वे करते थे। कभी कभी वे कहते थे, अरे गोपो इंद्र के भारी वर्षा से भय मत करो। हरि बोल, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उधर ही रहिए, उधर रहिए, आप ऐसे मत आइए। तो हे गोपो इंद्र के वर्षा से भय मत करो, मैं इसका उपाय सोच लिया हूँ। और यह कह करके अपने ओढ़नी को गोवर्धन पर्वत की तरह धारण करती थी और अन्य गोपियाँ आ करके ऐसे सिर झुका कर रहने लगती थी, श्याम सुंदर पर्वत धारण किए। और कोई गोपी कहने लगी, अरे सखाओं अरे मित्रों तुम लोग भय मत करो, जंगल में आग लगी है तो क्या, मैं अभी इस आग को पी जाऊँगा, तुम लोग आँख बंद करो। तो गोपियाँ आँख बंद करती हैं और श्याम सुंदर बनी हुई और गोपी अपने ओढ़नी को जो पीला पीला आग की लपट के समान है उसको मुंह से पकड़ कर कहते, मैं पी जाऊंगा इस आग को। और फिर कभी कभी दूसरी बार आग लगती है ऐसे, वो तो आवेश में रहते हैं प्रियतम श्याम सुंदर आग पिए, तो मैं ही कृष्ण हूँ। तो हे गोपो तुम डरो मत, मैं आग को पी रहा हूँ, और आँखें खुली हैं सबकी और पी गए। उसी तरह से बिल्कुल आग की लपट के समान पीले वर्ण की ओढ़नी है, उसको थोड़ा मुख में ले करके और कहते इसमें पी रही हूँ आग। श्याम सुंदर जब आग पिए तो कई किलोमीटर में लगी हुई आग ऐसे मुख में आ करके समा गई, पतला बन करके। इधर चौड़ा थी आग सारे जंगल में और आग की लपट धीरे धीरे आते 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 तो मुख में समा गई। तो ओढ़नी भी इसी तरह से थोड़ा सा मुख में जा रहा है और बाकी फैला हुआ है। और गोपियाँ कहती, वाह वाह श्याम सुंदर कितना तुम अच्छा किए, हे सखा हम धन्यवाद देते हैं, तुम आग पी जाए ये कि।
तब तक भाव समझ करके कोई गोपी कालिये बन गई, कालिये नाग, और ऐसे सिर झुका करके, अर्थात दो चार गोपियाँ ऐसे हो गई तो दूसरा तुरंत उनके सिर पर चढ़ी, कोई पेड़ की शाखा पकड़ करके चढ़ी और कही, अरे दुष्ट सर्प, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, मैं अवतार लिया हूँ दुष्टों का दमन करने के लिए, तुम हटो यहाँ से। तो दूसरी गोपियाँ आकर के नाग पत्नियों के समान क्षमा मांगती हैं, क्षमा कीजिए श्याम सुंदर, हमारे पति को छोड़ दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। इसको कृतम अनुकृतवत्य भीष्म पितामह जी कहते, कृष्ण जो जो कहे है, जो जो क्रिया किए है वही उनको प्रिय लगता था। अरे केवल विरह के समय ही नहीं, सदा सब समय इसी भाव में रहती थी। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण का तार एक सेकंड भूलता ही नहीं था, तो कोई ना कोई लीला चढ़ी रहती थी। कृष्ण जैसा मुस्कुराना, कृष्ण जैसा देखना, कृष्ण जैसा गलबाही देकर के दूसरे सखा के या सखी के साथ चलना, कृतम अनुकृत वक्त। तो इस तरह जिनके महाप्रेम में उन्मत्त थी गोपियाँ और कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी, उन्हीं कृष्ण में हमारी मति रहे, हमारा प्रेम रहे। ये पूर्व के श्लोक से इस कारण में करेंगे, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं कि पूर्व के श्लोक से इसका अन्वय लेना चाहिए। ऐसे श्री कृष्ण में मेरी मति रहे, या ऐसे मुकुंद मेरी गति हो। भगवान की ब्रज में जो लीलाएं हुई हैं, वास्तव में उनकी अद्भुत चाल है। द्वारका और मथुरा में तो थोड़ा मर्यादा में रहते हैं, चलने में थोड़ा, मथुरा तक तो उतना मर्यादा में नहीं रहे, नहीं तो हाथी का दांत उखाड़ करके हड्डी टांग करके कंस की सभा में पहुंचे, ये कोई मर्यादा नहीं। हड्डी छू करके और खून लगा हुआ है हाथी का, तो नहा धोवा कर सभा में जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसे ही दोनों भाई चल दिए। तो कुछ लोग तो कहे कितने असभ्य हैं, सभा में आते समय ऐसा पोशाक पहनना चाहिए, खून लगा है और हड्डी टांग करके ला रहे, छी छी। कुछ लोगों की ये भी भावना है कृष्ण बलराम के प्रति, इसको विभत्स रस कहा गया है। कैसे आ गए सभा में और स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के समान दिखाई पड़े, और अपने पितरों को वसुदेव जी या नंद बाबा आदि को अपने बिल्कुल शिशु जैसे दिख रहे थे, पहलवानों को पर्वत जैसे दिख रहे थे कृष्ण बलराम। तो अपने अपने भाव के अनुसार दिखाई पड़ रहे थे, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन्ह तैसी। तो श्री गोपी जनों का भाव है कृष्ण में, इतना भाव इतना प्रेम है कि उन्हीं का सब कुछ अच्छा लगता है, उन्हीं का स्मरण बना रहता है। कृत मनुकृत वक्त्य, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति। अंततः श्री भीष्म पितामह गोपी जनों का स्मरण कर ही रहे हैं। जो लोग श्री कृष्ण के किसी लीला को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं, कहते हैं हम कृष्ण का आदर करते हैं। जब एक नेता की तरह या समाज सुधारक की तरह जैसे कौरवों की सभा में गए, मैं मानता हूँ कृष्ण का ये रूप होना चाहिए और उनके हाथ में सुदर्शन होना चाहिए, ये बंसी क्यों धराया लोगों ने। और कुछ लोग कहते आजकल ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो चक्र ले और मारे सबको, ये नाच गान करने वाले ईश्वर की क्या जरूरत है। तुम्हारे दिमाग से ईश्वर चले सोचना चाहिए। कितने तो कहते हैं हम कृष्ण की द्वारका लीला को तो मानते हैं, ये ब्रज में नाच गान और इस गोपियों के साथ इस लीला को नहीं मानते। यहाँ तक कि आपने गीता प्रेस का नाम सुना है, देखा है किताबें, गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल गोविंदका जी थे, उन्होंने भागवत छापने के लिए मंजूरी दिया भाई जी हनुमान प्रसाद पुद्दार को, ठीक है भागवत छापा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उनको डायरेक्ट कहा कि इसमें से 5 अध्याय निकाल दो,
इसमें से रास लीला का 5 अध्याय निकाल दो, ये नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि श्री कृष्ण को ये कोई देखे कि श्री कृष्ण दूसरे की स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, वस्त्र चुरा रहे हैं। तो भाई जी के वे मौसेरा भाई थे बड़े, जयदल गोविंद का जी, और वे गुरु स्वरूप थे। उन्होंने कुछ सोच करके ही कहा कि नहीं, इन 5 अध्यायों को निकाल देना चाहिए। तब भाई जी ने उन 5 अध्यायों के सिद्धांत पर एक लेख लिखा है, वो अभी छपा है भागवत। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो छपना ही चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यही तो भागवत के प्राण हैं, 5 प्राण हैं, और इसको नहीं निकाला जा सकता है। तो इनके आग्रह को जयदयाल गोविंद का जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जहाँ इतने बड़े लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कृष्ण को हम इस रूप में नहीं देखना चाहते, तो उसका रहस्य है ना। भाई जी ने रहस्य का उद्घाटन किया, लिखा, बहुत सुंदर लेख है, रासलीला रहस्य। एक ही भक्त देखिए, जहाँ श्री कृष्ण के योद्धा स्वरूप की याद कर रहा है, अर्जुन का रथ संचालन करने वाला रूप, सारथी, विश्व युद्ध में भाग लिया है, इतना बड़ा तेज है, महानता है, और वहीं पर वही पुरुष, वही भीष्म पितामह उन लीलाओं के भी याद कर रहे हैं जो भगवान ने ब्रज में किया है, और वो भी गोपीजनों के साथ। और वो क्या मुस्का करके देखना, प्रणय निरीक्षण, इसको कहते हैं प्रणय निरीक्षण। प्रणय का अर्थ प्रेम, निरीक्षण का अर्थ देखना। श्री गोपियों पर परम आसक्ति से श्याम सुंदर देखते थे, और कभी कभी वर्णन भी करते थे, तुम्हारा मुख ऐसा है, तुम्हारी हंसी ऐसी सुंदर है, तुम्हारा केश इतना सुंदर है, इस तरह से वर्णन करते हैं। ये भगवान की लीला है और उनके राज्य में, कोई लौकिक लीला नहीं है। भीष्म पितामह अपने आयु के अंत काल में श्री गोपी जनों के साथ भगवान की लीलाएं याद कर रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है। द्वारका की लीला हो, चाहे ब्रज की लीला हो, या कुरुक्षेत्र के युद्ध की लीला हो, भगवान पूर्ण सत्य हैं, इसलिए उनकी कोई भी लीलाएं एक ही समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो जिस श्री कृष्ण में गोपियों का ऐसा अगाध अनुराग था, जो इतने सुंदर हैं, महान हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण में मेरी आत्मा, मेरा मन रमण करता रहे। अब इसके बाद ये तो सर्व शुभ गुणों की याद कर रहे हैं कि श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि श्री गोपियाँ उनमें तो आसक्त हो ही गई, जो शत्रु भाव से श्री कृष्ण पर बाण चलाए, जो युद्ध किए, वे लोग भी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर गए। जब ये स्वरूप को प्राप्त कर गए तो श्री गोपीजन भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाए, क्या आश्चर्य की बात। युद्ध करने के लिए जुटे थे लोग, और श्री कृष्ण पर भी बाण मारते थे, कई तरह से श्री कृष्ण बचते थे, लेकिन वे जब मरे तो भगवान के धाम में गए और पार्षद बन करके गए। इतना सुंदर स्वभाव भगवान का है, कोई द्वेष से उनके संपर्क में आवे, चाहे प्रेम से आवे, चाहे भय से आवे, उसका कल्याण हो ही जाएगा। इसको कहते हैं सर्व शुभ कारक गुण भगवान का, जिनसे द्वेष कोई करे या कुछ भी, जो उनके संपर्क में आया कि वो शुद्ध हो जाएगा, जैसे स्पर्श मणि है, पारस मणि। अगर कोई लोहा द्वेष भाव से उस पर कूद जाए, उस पर सट करके रहे, तभी सोना बनेगा, और प्रेम से अगर उसके साथ सट करके रहे तभी सोना बनेगा। ये स्वभाव है स्पर्श मणि का। ऐसे श्री कृष्ण का ये सहज स्वभाव है, सहज शुभ गुण है, सहज मुक्त करने की शक्ति है, क्योंकि वे ईश्वर हैं। चाहे द्वेष भाव से उनके संपर्क में आवे, चाहे प्रेम से उनको कुछ देने के लिए आवे, अथवा भय से कंस की तरह उनका चिंतन करे, या स्नेह से जैसे युधिष्ठिर महाराज किए उनका चिंतन करे, उनके संपर्क में आवे, तो उसका कल्याण होगा ही,
उसका भवबंधन मिटेगा, दुख मिटेगा, वह भगवान को पाएगा, ये उनका सहज स्वभाव है। सहज ये स्वभाव है, इसकी याद करके अब भीष्म पितामह भगवान के सर्व पूज्यत्व की याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण सबके पूज्य हैं, सबके पूज्य हैं, सबसे महान हैं, देवताओं से भी, ऋषियों से भी सबसे महान हैं, इसकी याद कर रहे हैं। और सर्व मनोहर हैं, सबके मन को आकर्षित करने वाले, परम सुंदर हैं, और सर्व दुर्लभ भी हैं, सर्व दुर्लभ है, पर फिर भी वे भीष्म पितामह पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुए हैं, ये भाव है। तो इस भाव को कहने के लिए भीष्म पितामह जी कहते हैं, मुनिगण नृपवर्ज संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो मम दृश्य गोचर एषया वीरात्मा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह अब याद कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ में जब भगवान की अग्र पूजा हुई थी, श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर उनकी पूजा किए थे, उनको सम्मान किए थे, उनको बहुत अलंकार दिए और दिव्य वस्त्र दिए, सम्मान किए, चरण धोए, श्री द्रौपदी जी ने पानी दिया था चरण धोने के लिए भगवान का। और सभा कैसी थी, राजाओं में श्रेष्ठ राजा लोग वहाँ जुटे हुए थे, नृप और मुनिगण, मुनियों का समुदाय उस सभा में जुटा था, ये वर्णन है भागवत में कौन कौन ऋषि लोग जुटे हुए थे। सारे ऋषि लोग प्राय जो भीष्म पितामह के पास आए हैं वो सारे ऋषि मुनि वहाँ आए थे, युद्ध से बहुत पहले की घटना है। महाराज युधिष्ठिर युवराज बनाए गए थे, वो तो धर्मराज हैं, इतना सुंदर शासन किए, इतना सुंदर शासन, महाभारत युद्ध के पहले कि सारा संसार सुखी हो गया और दुनिया के सारे राजा लोग कर दिए थे। राजसूय जग वही कर सकता है जो संसार में सबको हरा चुका है, तो भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर सबको परास्त किए थे और सब जगह से धन लाए थे। अर्जुन, भीम से नकुल, सहदेव, धन लाने के कारण, धन जीतने के कारण अर्जुन का एक नाम है धनंजय, जो धन जीत करके लाए, राज्य विस्तार किए। तो राजसूय सभा में सब बड़े बड़े लोग आए थे, यहाँ तक कि देवता भी आए थे, राजा लोग थे, ब्रह्मर्षिगण थे, ब्राह्मणों से, ब्रह्मर्षियों से और क्षत्रियों से भरी हुई उस सभा के बीच में अंतः सदस्य युधिष्ठिर के उस सभा के, राजसूय सभा के बीच में एसाम, इनकी पूजा को जो स्वीकार किए थे, ये राजा लोग और ब्रह्मर्षिगण सब पूजा की अग्र पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा, वहाँ उस सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि किसकी सबसे पहले पूजा की जाए और सबसे श्रेष्ठ पूजा। तो कई लोग विचार करने लगे आपस में कि इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी पूजा होनी चाहिए, नारद जी की पूजा होनी चाहिए, नारद जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध हैं, इनकी वशिष्ठ जी की पूजा होनी चाहिए, इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी पूजा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि सहदेव जी खड़े हुए, कुछ महानुभावों का कहना है कि यह सहदेव जरासंध के पुत्र थे, राजा थे, जरासंध की मृत्यु हो गई थी, भीमसेन और अर्जुन के साथ भगवान गए थे और भीमसेन के द्वारा मरवा दिए, तो उसके बाद सहदेव को राजा बनाए। तो वे राजा बने हुए सहदेव सभा में उठ करके कहने लगे कि श्री कृष्ण ही सर्वदेवमय हैं, सर्ववेदमय हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, किसी भी विषय में श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ ये नहीं देखना है कि ये ब्रह्मचारी हैं, ये सन्यासी हैं, यहाँ सुखदेव जी आए हैं, यहाँ मैत्रेय जी आए हैं, वशिष्ठ जी हैं, ये कोई देवता आया है,
श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इनकी सबसे अग्र पूजा होनी चाहिए और इनका सबसे श्रेष्ठ पूजा होनी चाहिए। इस बात का अनुमोदन भीष्म पितामह ने स्वयं किया। सबसे पहले ये खड़े होकर कहे कि सहदेव जो कुछ भी कह रहा है यही ठीक है और इनकी पूजा होनी चाहिए। तो एसाम, इसमें शब्द एसाम माने इन राजाओं की और ब्रह्मर्षियों के बीच की सभा में इनकी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया था। वो मैं दृश्य देखा हूँ, भीष्म पितामह कहते मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने पूजा हुई थी। संसार का सबसे बड़ा सम्मान स्पष्ट कह करके कि ये साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, इनकी पूजा होने पर सबकी पूजा हो जाएगी। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल सबकी तृप्ति होती है, ऐसे श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी, ये सहदेव ने कहा था, लिखा है भागवत में। तो पूजा हुई उस सभा के बीच में, और महाराज युधिष्ठिर का एक प्लान था कि श्री कृष्ण को सारा जगत जाने कि ये भगवान हैं, इसी के लिए उन्होंने किया था। श्री कृष्ण का सबसे पहला प्रचारक सारे संसार में युधिष्ठिर महाराज हैं, जिन्होंने भरे बीच सभा में लाखों लोगों के बीच में श्री कृष्ण को खुलम खुला कहवाया ऋषियों द्वारा ये साक्षात भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं तो कोई ऐसे नहीं जानता था, हाँ वसुदेव जी का लड़का है, बड़ा होनहार है, बहुत सुंदर है, सुनते थे, लेकिन वो भगवान हैं इस बात का खुलासा राजसूय सभा में हुआ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सभा में, केवल एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन किया और वो था शिशुपाल। शिशुपाल का भगवान कृष्ण से बैर था और वो बैर और ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया गया था, पहला विवाह जो भगवान का हुआ। तो रुक्मिणी जी को उसके भाई चाहते थे कि शिशुपाल से विवाह, क्योंकि शिशुपाल राजा है, चेदी देश का राजा है और कृष्ण तो ये गोचारक है, तो कुछ है नहीं, इसको राजकुमारी का विवाह राजा से होना चाहिए ना, कि ग्वाला से होना चाहिए, लाठी लेकर गाय चराने वाला, तो धनुष बाण धारण करने वाले किसी क्षत्रिय से, राजा से विवाह होना चाहिए, क्योंकि बड़े राजा की बेटी थी रुक्मिणी। इस कारण से द्वेषवश रुक्मी जो था बड़ा भाई रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया, लेकिन रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा भगवान को, द्वारका में भेजा, भगवान आए और राजाओं के बीच में द्रौपदी रुक्मिणी को उठा कर ले गए रथ पर ले चले। रुक्मिणी जी का सौंदर्य इतना था कि वे कुछ कर नहीं पाए, अपने सौंदर्य से ही उन्होंने उन लोगों को बेहोश कर दिया। भगवान रथ पर चढ़ा कर रुक्मिणी जी को ले गए, पीछे जब होश हुआ तो हल्ला करने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दिए हैं, जैसे सियारों के बीच में सिंह अपना भाग ले जाए और बाद में सियार हुआ हुआ सब करने लगे, वैसे ही जरासंध शिशुपाल सब हुआ हुआ, अरे अरे तुम क्या कर रहे थे, वो ग्वाला ले गया रुक्मिणी को, ऐसे वैसे धरो, अरे मैं थोड़ा सा सोचने लगा, मैं मेरा ध्यान नहीं रहा, तुम क्या कर रहे थे, पकड़ो पकड़ो धरो 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 धरो। जब वो चले कुछ आगे तब तक बलराम सिंह आ गए। बलराम जी एक औक्षौणी सेना लेकर के आए थे, कृष्ण के बिना कहे, कि छोटे भाई के प्रति इतना स्नेह है कि जानते थे कि वहाँ लड़ाई होगी रुक्मिणी के विवाह में। तो जब श्री कृष्ण को संकेत किए तुम आगे जाओ, और वे जादुओं की सेना लेकर के खड़े हो गए, युद्ध होने लगा, अधिकांश लोग मारे गए उस युद्ध में, छोटे छोटे राजा। अब विवाह हो नहीं पाया, विवाह द्वारका वाला किया, रुक्मिणी जी को ले गए। अब सोचिए जो दुल्हा बन करके गया होगा शिशुपाल, एक तो पहले से ही कृष्ण से बैर था, वो कंस का मित्र था, कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसका क्रोध बहुत बढ़ गया था, और अब जब विवाह भी नहीं होने दिया, उसकी संभावित पत्नी को ले गया, तब तो क्रोध का कोई सीमा नहीं रही क्रोध की।
हमारे यहाँ कहते हैं एक तो करैली दूसरे नीम पर सवार। एक तो अपने आप करैला है और उसको नीम पर उसकी शाखाएँ चढ़ें तो कितना तीत होगा, कितना तीक्ष्ण होगा। करैला अपने आप में तीक्ष्ण होता है। अब तो इसके क्रोध की सीमा नहीं रहे। किसी तरह से दिन चल रहा था, कट रहा था, और इसके बाद क्या हुआ कि उसके जो कर्णधार थे उसकी उसको मानने वाले जरासंध मार दिए गए, और क्रोध बढ़ा था। और ऐसे कृष्ण की जब बीच सभा में पूजा हुई तो इसे सहन नहीं हुआ, वो तुरंत माइक पकड़ा और कहा, बोलने लगा। रोक रहे थे कुछ लोग, नहीं नहीं आप तुम रुको, नहीं नहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि काल बहुत बलवान है, काल ने इन सभी सभासदों की बुद्धि पर पानी फेर दिया है, इसका मतलब तुम लोगों को बुद्धि नहीं है। यहाँ इन राजर्षियों को बुला करके और ब्रह्मर्षियों को बुला करके इनके बीच में युधिष्ठिर जो इस ग्वाले की पूजा कर रहा है, मैं मानता हूँ महान अन्याय हो रहा है। जब इसको पूजा करनी थी तो अपने घर में एकांत में किया होता, सबको दिखा के रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। ये क्या काम किया है कृष्ण, इसको कोई राज्य नहीं है, कुछ नहीं, ये ग्वाला है तो क्षत्रिय भी नहीं है, गाय चराया है सब लोग जानते हैं, दही माखन गोपियों के घर से चुराता था, गोपियों का चीर चुराया है, नाचना गाना बस यही इसका काम है, और ऐसा व्यक्ति राजाओं के बीच में पूजा पाएगा? अरे राजा तुम लोगों को क्या हो गया है, मर जाओ जा करके, तुम्हारे जीते जी और इस ग्वाले की पूजा होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये युधिष्ठिर कृष्ण के गुणों के कारण इसकी पूजा नहीं कर रहा है, इसका प्रेम है इसलिए पूजा कर रहा है, तो अपना प्रेम एकांत में क्यों नहीं करते हो? कृष्ण के गुणों को देख करके पूजा नहीं कर रहा है, इसका प्रेम है इसलिए पूजा कर रहा है, जो सही बात है, प्रेम हो चाहे कुछ, इसका स्नेह है, लेकिन ये सबको बेवकूफ बना रहा है। बहुत बढ़ता गया, बहुत बातें बोला है महाभारत में, बहुत गाली दिया है। बीच में दिखाया गया है भगवान का एक बार कहे, ये भी कहा, कैसे कैसे कहा तो भगवान ने कह दिया इस बात पर, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, जो लड़की तुमको नहीं चाहती थी उसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे। इस पर शिष्यपाल कहा, छी छी वो घटना इस सभा में बोलते तुम्हें शर्म नहीं लगती है? मैं तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तुम अपने आप चर्चा कर रहे हो, देखिए इसकी बुद्धि, देखिए इसकी बुद्धि। विवाह मेरे साथ तय हुआ था कि तुम्हारे साथ? अरे नालायक काला ऐसे ही हो, विवाह मेरे साथ तय हुआ था तुम्हारे साथ? तुम जो उसको ले, भगवान इतना कह दिया कि जो लड़की नहीं चाहती थी उसको तो उसके साथ विवाह करना चाहते थे, तुम्हारी यही तो बुद्धि है। इस पर एकदम आग बबूला हो गया और कृष्ण को मारने चला। जो मारने चला, 100 गलती जब पार हो गई, 100 अपराध, तब भगवान अपना चक्र निकाले और सबको संकेत किए कि आप लोग शांति से बैठे रहे, और चक्र से उसका गर्दन काट दी। शांति से सब हुआ, सभा में कोई चेत तक नहीं बोल सकता था। कुछ उसके गुट के लोग थे, हाँ हाँ करते हुए बड़बड़ाते सभा से निकल गए, चले गए, हम दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दिखाते रहो, जब मालिक गया तो तुम क्या दिखाओगे। यद्यपि भीमसेन अर्जुन आदि उकसा रहे थे जब कृष्ण को गाली दे रहा था, तो ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन भगवान सबको मना कर रहे थे, मना कर रहे थे। वो भगवान का मौसेरा भाई था ना, बुआ का लड़का देवकी के बहन का नहीं, बुआ का लड़का था, वसुदेव जी की बहन का, जो भी। तो उसको भगवान ने कुछ वर दिया था उसके माँ को, तो उसके कारण क्षमा करते गए। तो उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा का अनुमोदन किया था भीष्म पितामह ने, तो शिष्यपाल बोलते बोलते यहाँ तक बोला,
ये बूढ़ा तुम्हारी पूजा का अनुमोदन कर रहा है, काशी नरेश के यहाँ जा करके क्या किया है? ब्रह्मचारी बनते हो ना, और तीन लड़कियों को उठा करके रथ पर बैठाया। अरे तुमको मैं जानता हूँ, गाली दे रहा था कि तुम क्यों कृष्ण की पूजा करने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि भीष्म पितामह, ये बूढ़ा शरीर है, अब इसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है, मैं ऐसा मानता हूँ, ये अनुमोदन कर रहा है। बहुत दांत पीस रहा था वो भीष्म पितामह पर, कहा कि अगर पूजा करनी है तो मैं तो कहता हूँ कि इसी की पूजा कीजिए, ये पूजा करने लायक है, इसकी पूजा होनी चाहिए भीष्म की, लेकिन कृष्ण की नहीं। हम तो कहते हैं कि भीमसेन की पूजा होनी चाहिए, भीमसेन पूजा करने लायक है, अर्जुन पूजा करने लायक है, लेकिन ये किस गुण से पूजा करने लायक है? इस तरह से बोल रहा था, लेकिन सभा में बध हो गया। इन सब दृश्यों को भीष्म पितामह ने देखा था। उस समय भगवान सभा के बीच में बैठे थे, सारा सौंदर्य, सारा तेज बल वैराग्य की मूर्ति, स्वयं भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो सभा के बीच में इन सब राजर्षियों का, ब्रह्मर्षियों का, जिन्होंने पूजन स्वीकार किया, और सभी के द्वारा इक्षणीय थे, एसाम इक्षणीय और एसाम अर्हणम, इन सबके द्वारा भी इक्षणीय थे, सबके नेत्र कृष्ण पर थे, भीष्म पितामह उसकी याद कर रहे हैं। सभा में प्रत्येक व्यक्ति की नज़र भगवान के तरफ थी, सब देख रहे थे। वही प्रभु मम दृशि गोचर, आज मेरे आँखों के सामने आवी प्रकट हैं, जबकि वे आत्मा हैं, परमात्मा हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, हैं सब जगह, सबके हृदय में हैं, लेकिन कभी प्रकट दिखाई नहीं देते हैं, पर वही आत्मा अंतर्जामी भगवान आज हमारे आँखों के सामने हैं। अहो मैं भाग्यमिति, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, आज मेरे आँखों के सामने हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, क्योंकि खड़े होने पर भीष्म पितामह को थोड़ी दूरी का अनुभव हो रहा था, थोड़ी दूरी का, तो भगवान उनके पास आ गए और बैठे थे कुछ ऊंचे आसन पर। भीष्म पितामह इनके मुख को बिल्कुल निकट से देख रहे थे, बिल्कुल निकट से। तो उसको कहते, ऐसा आवि आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे आँखों के सामने हैं, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। श्री कृष्ण बिल्कुल आँखों के पास थे, निकट में श्री कृष्ण के मुख को देख रहे थे, अंग छवि को देख रहे थे। इसको कहते ऐसा आविरात्मा, ऐसा शब्द का ही अर्थ है ए। युधिष्ठिर महाराज थे बगल में, अर्जुन थे, और सब पांडव थे, और ब्रह्मर्षि राजर्षि सब भरे हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण आगे थे, भीष्म पितामह के बिल्कुल पास में, और वे उनको देख रहे थे। मन की वृत्ति, आँख की वृत्ति और वाणी की वृत्ति सब कृष्ण में थी, और न कुछ स्मरण आ रहा था, न और कुछ बोल रहे थे, और श्री कृष्ण बिल्कुल निकट उपविष्ट थे। अग्रता एवं उपविष्टम, श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान बिल्कुल आगे थे, निकट थे और बैठे थे। उनको कह रहे ऐसा ये भगवान, ये परमात्मा, अरे जिनको लोग अव्यक्त कहते हैं, जिनको लोग निराकार कहते हैं, इसलिए कि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर वही प्रभु अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे आँखों के सामने प्रकट है, मेरा कितना बड़ा भाग्य। तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदय हृदयधिष्ठितमात्मकल्पिता नाम प्रतिदृशमिव नई करधार कमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेदमोह। मैं श्री कृष्ण को पूरा पूरा जान रहा हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है कि कौन है, समधिगत अधिगत मैं जान गया हूँ। यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन फिर भी सब जगह हैं, एक ही कृष्ण सब जगह है। हृदय हृदय धिष्ठितम, जो हृदय हृदय प्रत्येक जीव के हृदय में धिष्ठितम उपविष्ट हैं, रहते हैं, सब सब जगह उपविष्ट हैं,
वे प्रकृति के अंतर्जामी हैं, ये ब्रह्मांड के अंतर्जामी हैं, प्रत्येक जीवों में अंतर्जामी रूप से रहते हैं। तम ही हम अजम शरीर भाजम, शरीरधारियों के हृदय हृदय में जो हैं, और शरीरधारी कैसे हैं तो आत्मकल्पिता नाम, किसी के शरीर का निर्माण सृष्टि स्वयं कृष्ण ने किया है और सृष्टि करके सबके शरीर में रहते हैं, सब जगह हैं, लेकिन हैं एक। मैं इस बात को समझ गया हूँ कि एक ही कृष्ण सब जगह है, द्वारका में, मथुरा में, ब्रज में, कुरुक्षेत्र में, ये स्वर्ग में, पाताल लोक में, बलि महाराज के यहाँ, या यहाँ तक कि समस्त जीवों के हृदय में सब जगह हैं, लेकिन एक ही कृष्ण एकम अर्कम इव, जैसे सूर्य एक हैं लेकिन अनेक जगहों पर दिखाई देते हैं। घनश्याम जी ने कल कहा था ना, वही बात यहाँ है, कृष्ण एक हैं लेकिन सर्वत्र हैं, जैसे एक सूर्य स्फटिक मणि के दीवाल में दिखता है, दर्पण में दिखता है, जल में दिखता है। तो कई व्यक्ति कहते हैं अगर वृक्ष के ऊपर दिखाई दे रहा है तो दिखाने वाला कहेगा सूर्य वृक्ष के ऊपर है, वो तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन कहता है सूर्य वृक्ष के ऊपर है, और सूर्य दर्पण में दिखाई दे रहा है, सूर्य जल में दिखाई दे रहा है, और लाखों घड़ा आप रख दीजिए एक जगह या करोड़ों अरबों, तो प्रत्येक घड़ा में वो सूर्य दिखाई देगा, प्रत्येक घड़ा में, प्रत्येक जल भरे हुए घड़े में। तो क्या सूर्य भिन्न भिन्न है? नहीं, एक ही सूर्य है जो सब जगह दिखाई पड़ रहा है। तो एक ही कृष्ण सबके हृदय में है, सर्वत्र हैं, कर्णोदक साई वही हैं, गर्भोदक साई वही हैं, क्षीरोदक साई वही हैं, सभी अवतारों के रूप में हैं। लेकिन जैसे प्रति दृश्यम इव नैकर्धार कमेकम, हर एक आँख से, भिन्न भिन्न आँखों से देखने पर सूर्य अनेक दिखाई पड़ते हैं लेकिन हैं एक, इसी तरह से विधुत भेद मोह, मेरा भेद मोह चला गया है, मैं अब समझने लगा हूँ पूरा कि एक ही कृष्ण सबके हृदय में है, सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त, ऐसे श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हुई। ये कहते हुए तो सुत गोस्वामी जी अब कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य स्वंतः श्वास उपारमत। भगवती कृष्णे, भगवान कृष्ण में जो भीष्म पितामह के पास ही बैठे थे, उनमें भीष्म पितामह के मन की वृत्ति, वाणी की वृत्ति और नेत्र की वृत्ति सब लगे हुए थे, आँख से उनको ही देख रहे थे, आँखें देखने में आसक्त थीं और मन चिंतन में आसक्त था तथा वाणी बोलने में आसक्त थी, मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, ऐसे भगवान का भजन होता है। दृष्टि भगवान में लगानी चाहिए। कुछ ऐसे आलसी होते हैं जो भगवान का दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते, कहते भगवान तो सब जगह है, बस ध्यान करो, और ध्यान में बैठे हुए झपकी लेते रहते हैं, ध्यान कर रहे हैं। इस झपकी से अच्छा है भगवान को देखना खोल करके, उनका मुकुट कैसा है, उनका पीताम्बर कैसा है, उनका नूपुर कैसा है, कितने सुंदर हैं। मंदिरों में दर्शन करने वाले भक्त जन भगवान के मूर्ति को जब देखते हैं तो उनको प्रतिदिन नया नया अनुभव होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान आज हंस रहे हैं। किसी किसी दिन देखा गया है कि अगर उस परिवार में, उस समाज में कोई अप्रिय घटना हो गई है तो मूर्ति अप्रसन्न रहते हैं, शोक में डूबे रहते हैं, ये देखा गया है, ये कोई कल्पित चीज नहीं है कि मन के भाव को आरोपित करके देखा जाता है, नहीं, भगवान वास्तव में अगर घर में कोई खुशी का दिन है तो लगता है कि ठाकुर जी हंस रहे हैं, या घर में कुछ गमी हो गई है तो वो चिंतित है, ऐसा देखा जाता है, और कोई हास्य की बात हो रही है तो लगता है डीटी हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। वो कोई मूर्ति नहीं है,
भगवान है वास्तव में, हमारी अर्चना को स्वीकार करने के लिए वे उस रूप को धारण किए हैं, तो उसको अर्चावतार कहा गया है शास्त्रों में। वे इस तरह से कल्याण करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, सूत जी कहते हैं मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, वाणी से तो भगवान का कीर्तन होना ही चाहिए, वाणी वाक यह नहीं माना जाए, बस मन में स्मरण करो। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं सांस से जप होता रहता है, बस होता रहता है, अजपा जप होता रहता है, बिना जप किए जप। भक्त लोग तो जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, ये वाग वृत्ति हुई। इसमें लिखा वाग वृत्ति, भीष्म पितामह कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, जैसे ललित गति विलास बल गुहास, ये बोल रहे हैं कृष्ण के विषय में और कृष्ण को देख रहे हैं और मन में चिंतन तो कर ही रहे हैं, तो मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी। लेकिन आजकल के सिद्ध लोग कहते नहीं, बस मन में स्मरण करते रहो, मन में सिमरन करते रहो और आंख से टीवी देखते रहो। सिमरन करेगा, टीवी देख रहा हो क्या स्मरण करेगा, कोई भी कंडम चीज देखो और कोई भी चीज बोलो, कोई भी चीज पढ़ो और कृष्ण का स्मरण हो जाए, कैसे होगा? यह है मनोवृत्ति, वाग वृत्ति और दृष्टि वृत्ति। भीष्म पितामह कृष्ण पर अपलक आसक्ति से देख रहे थे उनके मुख पर और उनके बारे में बोल रहे थे और मन से उनकी लीलाओं का या उनके रूप का चिंतन हो ही रहा था। तो इस तरह से आत्मनि आत्मानमावेश्य, आत्मनि पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में अपने को आवेश्य, अपने को युक्त करके अंतः श्वास उम्बारमत, उनकी सारी वृत्तियां ठप थी केवल कृष्ण में लगी थी, यहाँ तक कि सांस भी अंतः श्वास बाहर नहीं आ रही थी सांस, अंतः श्वास श्वास अंदर ही था। उपारमत शरीर छोड़ दिए। अब इस पर सूत जी कहते हैं कि वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि और राजर्षिगण जो संसार में सबसे श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य हैं, देवता हैं, ये लोग जब देखे कि भीष्म पितामह भगवान की लीला में चले गए, उसको ऐसे कह रहे सूत जी, संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले, निरुपाधि मायातीत ब्रह्म में श्री कृष्ण में भीष्म पितामह को संपद्यमानम देखे, वे जान गए कि इस भीष्म पितामह भगवान के संगति में चले गए। भीष्म चले गए, शरीर बाण सज्जा पर है, शरीर नहीं, भीष्म नामक जो जीव है भगवान का पार्षद बनकर भगवान के पास चला गया। संपद्यमान, बहुत सावधानी से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, लिखा गया है संपद्यमान, इसका अर्थ है संगति प्राप्त किए, ये नहीं कि भगवान कृष्ण में जा करके में विलीन हो गए, यह नहीं कि लिखा गया। संपादन का क्या अर्थ होता है? संपादन का अर्थ होता है कुछ बिखरी हुई चीजों को एक जगह सजा देना, या जो जिस स्थान पर रहे उसको वहाँ रख देना, जो जैसा है उसको ऐसा रखना, इसको संपादन कहते हैं। तो यहाँ संपादन शब्द है संपद्यमान, इसका अर्थ कि भीष्म पितामह जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान की लीला में चले गए, यह नहीं कि भगवान में भीतर समा गए, ऐसा नहीं होता है। आज तो कोई किसी में समाया है, कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ जीव भगवान में मिल जाता है, बूंद है वो समुद्र में समा गए, ज्योति में ज्योति विलीन हो गए, ऐसे ऐसे कहते हैं, नदी है नदी जाकर समुद्र में विलीन हो, जीव नदी है क्या, विलीन हो जाएगा। कोई आज तक विलीन हुआ है इस संसार में? आप इतिहास पढ़े हैं, वर्तमान में भी अरबों मनुष्य हैं, मान लीजिए कोई पिता है
तो कोई बेटा कभी कहा कि पिताजी मैं आपसे अलग रह करके बड़ा दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ आप में ढुक जाऊँ, आप और हम एक हो जाए। बाप से अगर ऐसा कहे तो सोचेगा ये पागल हो गया, तू ऐसा मत करो, तुम मेरे पास रहो, मेरी सेवा करो, मुझसे प्रेम करो, है ना। कोई बाप चाहेगा कि बेटा हमें डूब जाए, प्रवेश कर जाए। कोई पति चाहेगा कि पत्नी हमारे भीतर विलीन हो जाए, उसकी सत्ता ही न रहे। कोई मित्र ऐसा चाहेगा? ऐसा कोई चाहे भी तो हो नहीं सकता है। चाह होना तो जीव के हाथ में, चाहेगा कि हम भगवान में समा जाए, लेकिन नहीं, नहीं समा सकता है। भगवान के साथ हो सकता है, उनका सखा बन सकता है, यहाँ तक कि उनसे बड़ा बन जाएगा, उनका बाप बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। इतना सिद्धांत है। अगर कोई कृष्ण को अपना पुत्र माने तो कृष्ण पुत्र बन जाते हैं, तैयार हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भगवान। लेकिन कोई कृष्ण बनना चाहे ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण से बड़ा बन सकता है, कृष्ण से छोटा तो है ही, बड़ा बनना चाहे, बाप बनना चाहे, चाचा बनना चाहे, कुछ बन सकता है। भगवान ऐसा व्यवहार करते हैं। यद्यपि वे किसी भी स्थिति में सबसे महान हैं, लेकिन हमारा पुत्र बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं प्रेम देख कर। परंतु कोई ऐसा सोचे कि मैं भी अब कृष्ण में मिल जाऊं, अलग मेरी सत्ता ना रहे, तो ऐसा सोचना भी वास्तव में एक नंबर की मूर्खता है। हम भगवान में मिल जाए, ये हो जाए, कोई नहीं मिल सकता, ना आज तक कोई मिला है। अगर मान लीजिए कोई मिले, यदि मान लिया जो सपोज कोई मिला, तो उसको नाफा क्या हुआ, उसकी तो सत्ता गई, क्योंकि भगवान उसमें नहीं मिलेंगे, वो भगवान में मिलेगा, है कि नहीं। जैसे कोई नदी है तो नदी में समुद्र नहीं मिलेगा, बिंदु में समुद्र नहीं मिलेगा, बिंदु समुद्र में मिलेगा और अपनी सत्ता गंवा दिया, खत्म। तो अपने को खत्म कौन करना चाहता है? ऐसा सोचना, और समाज में सब बातें प्रचलित है, समुद्र में बिंदु समा गई, नदी जाकर समुद्र में मिल गई, ये हो गया, भगवान में हम मिल जाएंगे, हम ही भगवान हो जाएंगे, ये हो जाए। तब माया तब दुर्दशा करती है, भगवान बनना चाहते हो तब अनेक जोनियों में पटकती है, लात मारती है, बनो भगवान। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे, गॉड की सेवा नहीं करोगे, तो माया डॉग की सेवा कराएगी। उल्टा उल्टा, कितने पढ़े लिखे लोग अपने को बुद्धिमान समझने वाले, वे कुत्ता दास हैं, कुत्ता की सेवा करते हैं। अपने घर में कुकुर रखे हैं, कुत्ता रखे हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको साबुन लगाते हैं, उसको टोपी पहनाते हैं, और सवेरे फ्रेश हवा में लेकर घूमने जाते हैं। कभी बाप की सेवा नहीं किए होंगे वैसे, और कुत्ता की सेवा करते हैं, ले जाते हैं जंजीर में, कभी कभी पकड़ करके ले जाते हैं, और जाते जाते जंजीर टाइट होती है, कुत्ता रुक जाता है, तो ये नौकर साहब जो जंजीर पकड़े हैं तो उसको टट्टी कराते हैं। अब बताइए, कुत्ता टट्टी कर रहा है तो कुत्ता मालिक हुआ कि उसको पकड़ करके टट्टी करा रहा है वो मालिक है? बताइए कौन मालिक है? वो सीधा जंजीर खींच कर रुकता है, कहता है रुको अभी हमको टॉयलेट हो जाने दो, तो वो करा रहा है। और इतना ही नहीं, उसके विष्ठा को, मल को वह प्लास्टिक के बर्तन में लेकर के घूमता है। अमेरिका में मैं देखा, अपने आंख से देखा, अगर कुत्ते का मल छोड़ दिया तो कुत्ता वाला फाइन चुकाएगा, फाइन लग जाएगा, किसका कुत्ता ये सब काम किया। तो कुत्ता को तो फाइन नहीं लगेगा, लेकिन कुत्ता दास को फाइन लगेगा। बताइए, कुत्ते का गूह ढोना सवेरे सवेरे, क्या माया के द्वारा सजा है कि नहीं?
माया सजा दे रही है कि नहीं? इस तरह की फर्जियत माया करती है, सोचते हम भगवान हैं, हम बड़े हैं, ये है। इसीलिए गॉड की सेवा करनी चाहिए, डॉग की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ते से सब प्यार नहीं करना चाहिए, भाई वफादार जीव है, खिलाना पिलाना सब है, लेकिन भगवान की सेवा करनी चाहिए। सवेरे जग कर मंदिर में आना चाहिए, भगवान को नमस्कार करे, भगवान को देखे, भगवान का नाम बोले, कुछ एक माला दो माला चार माला जप करे, भगवान को प्रणाम करे। ये मनोवाग दृष्टि वृत्ति को ये सब लगाना चाहिए ना। तो भीष्म पितामह भगवान के पास चले गए, भगवान में मिल गए ये बात नहीं है। इसलिए संपद्य मान लिखा गया। तो उस समय जब भीष्म पितामह भगवान की लीला में चले गए, ये शरीर छोड़ दिए, तो कुछ देर तक वहाँ जुटे हुए ऋषि मुनि राजर्षिगण सब बिल्कुल चुप हो गए। जैसे दिनाते दिन बीतने पर रात में पक्षी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बयांसी माने पक्षीगण, आप देखते हैं ना, रात होते ही पक्षी जो दिन भर चेचे चेचे करते रहते हैं, खाते पीते हैं, उड़ते हैं, रात के समय एकदम चुप हो जाते हैं। कभी कभी कोई चिड़िया बोल देता है, नहीं तो प्राय सब चुप रहते हैं। तो भीष्म पितामह के शरीर त्यागने पर, भगवान की लीला में चले जाने पर, वनवर्षीगण वैसे चुप हो गए जैसे रात्रि में पक्षी चुप होते। उसमें तत्र दुंदु भयो ने दूर देव मान नवबाधिता। उस समय देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा बजाई हुई दुंदुभियाँ बजने लगी। दुंदुभी कहते उस बाजा को जिसको मुख से फूका जाता है, ऊपर ऊंचा बड़ा रहता है चौड़ा और नीचे संकीर्ण, तो दुंदुभी कहते हैं। दुंदुभियाँ बजी और देव लोक से देवता लोग भी बजाए दुंदुभी भीष्म के इस लीला प्रवेश पर। बहुत बड़ी विजय थी भीष्म पितामह के, भगवान को पा लिए। और खात पेतु पुष्प वृष्ट, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, देवता लोग बरसा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर ले जा करके और ऊपर से बरसा, ये आकाश बरसा नहीं है, ये हेलीकॉप्टर से बरसाया जाता है, वो आदमी ही जा करके बरसा रहा है, लेकिन वास्तव में देवता लोग बरसाने लगे उस समाज पर, भीष्म पितामह पर। पुष्प वृष्ट, पुष्पों की वर्षा होने लगी। और राज्ञाम साधव ससंसु, राजाओं में जो अतिशय साधु प्रकृति के राजा थे, वे भीष्म पितामह की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये क्यों कहा गया साधु राजा प्रशंसा कर रहे थे? जो असाधु थे राजा वहाँ नहीं सब जुटे थे, साधु राजा जुटे थे, लेकिन जो असाधु थे दुष्ट राजा लोग थे, वे कभी कभी भीष्म जी की निंदा करते थे। क्या निंदा करते थे? कि ब्रह्मचारी होकर के भी अपने भाई का विवाह कराया, घर में आसक्त है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, युद्ध कर रहा है, ये घर में क्यों पड़ा है? जब राज त्याग दिया, विवाह नहीं किया, तो फिर हस्तिनापुर में अपने घर में क्यों रहता है? इसको तो वृंदावन जाना चाहिए। है ना, कुछ ऐसा होता है। तो भीष्म पितामह घर में रहते हुए भी, जब ब्रह्मचारी थे फिर भी घर में रहते थे और परिवार को चाहते थे कि अभी सतपथ पर आ जाए, दुर्योधन को समझाते थे और क्या क्या करते थे, लेकिन फिर भी भगवान के परम प्रिय रहे, परम प्रिय। तो कुछ राजा लोग, कुछ क्षत्रिय केवल लौकिक दृष्टि से कहते थे भीष्म ठीक नहीं, और जब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी थे तो काशी नरेश की तीन लड़कियों को हाथ पकड़ कर रथ पर क्यों चढ़ाए, लड़की को छुए क्यों? अरे दुष्ट कहीं के, ये सब चीज़ें देखना, और देखिए कि वो कितने बड़े भक्त हैं, कितने सदाचारी हैं, महान धनुर्धर हैं, जिनसे भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं। इसलिए सूर्य जी कहते जो साधु प्रकृति के राजा थे सब प्रशंसा कर रहे थे, धन्य है, धन्य है,
जीवन निष्कलंक रहा, सफल रहा। और इस तरह से जब दुनुम्भिया बजी, राजा लोग प्रशंसा किए, तो देवता सब भगवान का कीर्तन चालू किए। ऋषि लोग कीर्तन करने लगे, स्तुति करने लगे। तुष्टु मुनयो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रयोग पुनः। कृष्ण जिनके हृदय में थे, वे कृष्ण हृदया मुनिगण भीष्म पितामह के निर्वाण को देख करके, लीला प्रवेश को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उत्साह बढ़ा कि हम भी कृष्ण का भजन करेंगे इसी तरह से भीष्म जैसा, तो हम भी भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। तो सब प्रशंसा बहुत किए, कीर्तन होने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। इस तरह से अनेक नामों द्वारा भगवान का गुण गाया जाने लगा। ऋषि लोग वहाँ पर जुटे थे, वे गाने लगे। गुह्य नाम भी परम रहस्यमय, भगवान की महिमा तेज वैभव को बताने वाले नाम को गाने लगे, जिसमें कृष्ण गोविंद आदि नाम थे। ये नाम, ये गुह्य नाम का ये अर्थ नहीं है कि नाम का पता ही नहीं है। गुह्य नाम का अर्थ है गुप्त नाम का यहाँ, कि भगवान की महिमा लीला गुण जिन नामों में छिपे हुए हैं, जैसे गिरवरधारी गोवर्धनधारी गिरधारी, या कृष्ण गोविंद हरि माधव मधुसूदन राम रघुपति, ये सब नाम है भगवान, इनमें भगवान की लीलाएँ छिपी हैं, इसको गुह्य नाम कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि आप लोग जो कृष्ण जपते हैं राम राम कहते हैं, ये नहीं, गुप्त नाम जपना चाहिए। हमसे पर्सनल भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं नहीं ये गुप्त नाम, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, ऐसे है ना। तो गुप्त उसको गुह्य कहा, गुह्य नाम भी कृष्ण के नाम। तो कृष्ण का गुह्य नाम मतलब गोपनीय नाम कौन है भाई? सबसे गोपनीय नाम तो कृष्ण है। या गुह्य नाम इसलिए भी है कि गर्गाचार्य छिप कर नाम रखे थे, इसलिए वो गुह्य नाम है। या उसमें अनेक भगवान सर्वाकर्षक हैं, सारा ऐश्वर्य वैराग्य ज्ञान धन और विद्या सौंदर्य सब कुछ इस नाम से व्यक्त होता है, कृष्ण नाम से, जो सर्वाकर्षक। गोविंद जो गौओं के प्रिय हैं, गौओं के पालक हैं, जिन्होंने गौओं की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किया, एक गोविंद नाम का अर्थ। ये सब भगवान के नाम हैं वास्तविक, इनको गुह्य नाम कहते हैं। गोविंद कृष्ण गोपाल हरि मधुसूदन वासुदेव, तो इन्हीं नामों का वो कीर्तन करने लगे। गुह्य नाम भी नाम द्वारा भगवान की स्तुति किए, मतलब कीर्तन करने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी स्तुति ब्रह्मा जी के समान याद हो तब भगवान की स्तुति करे, कोई भी व्यक्ति स्तुति कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र से या द्वादशाक्षर मंत्र से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये इन सब नामों से भी भगवान की स्तुति की जा सकती है। तो ऋषि लोग वहाँ नाम कीर्तन करने लगे, और कृष्ण को हृदय में रख करके भीष्म पितामह के प्रवचन सुने थे, तो भगवान की महिमा को समझ गए। कृष्ण को अपने हृदय में रख करके स्व आश्रमान प्रजज अपने अपने घर गए। सबको एक न एक दिन जाना होता है, कहीं संघ में आया है, एक सभा में आया है, जैसे हम लोग हैं तो अपने आश्रम में जाना है स्वाश्रमान। गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, तो अपने अपने आश्रम में गए, जाना ही है। कोई दिल्ली जाएगा, कोई जमुनानगर जाएगा, कोई अम्बाला जाएगा, कोई कहीं जाएगा, पानीपत जाएगा, अपने अपने आश्रम है ना। लेकिन किसके साथ जाएंगे? कृष्ण को हृदय में लेकर और कृष्ण नाम को जिह्वा पर लेकर के, कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का जप करते हुए। तो सभी ऋषि गए,
जब ऋषि लोग चले गए, इसके पहले एक श्लोक छोड़ दिया, किस समय कीर्तन हो रहा था मैं भूल गया इसको कहने का, तस्य निर्हरणादिनी सम परे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्व मुहूर्तम दुखित भवत। भीष्म पितामह जब लीला में प्रवेश कर गए तो युधिष्ठिर महाराज उनका दाह संस्कार आदि किए, तो दाह संस्कार जब हो रहा था तो सारे ऋषि मुनि राजर्षि लोग अभी वहीं थे। दाह संस्कार आदि निर्हरण आदिनी, निर्हरण आदि किए, पिंडदान किए। देखिए भीष्म पितामह मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, फिर भी जो लौकिक क्रिया है वो महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। भीष्म पितामह का यह भी बहुत बड़ा भाग्य था कि इतना बड़ा वैष्णव राजर्षि युधिष्ठिर महाराज, उन बाहर से उनका संग छूट गया, अब संग नहीं मिलेगा, ये सोच करके कुछ देर के लिए दुखित अभवत, दुखी हो गए। तो उस समय ऋषि लोग भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे और कृष्ण का स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए अपने अपने आश्रम चले गए। यही है रहनी आने जाने की, रास्ते में भी जप हो सकता है, स्मरण भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए अपने आश्रम चले गए। तब इसके बाद कुछ दिन के बाद, एक दो दिन के बाद ही महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर गए कुरुक्षेत्र से। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम्। गजाह्वयम् जिस शहर के नाम में गज शब्द है, आह्वयम् माने संज्ञा, जिस नगर के नाम में गज है, गज माने हस्ती, जिसके नाम में हस्ती अर्थात हस्तिनापुर, गजपुर या हाथीपुर कहिए, हस्तिनापुर गए और वहाँ जा कर के सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को, अपने पिता के भाई को धृतराष्ट्र महाराज को सांत्वना दिया, समझाया। जो उनके पुत्रों को मरवाए हैं युधिष्ठिर महाराज, वही सांत्वना दिए, क्योंकि भीष्म पितामह से उनको ज्ञान हो गया था। तो भीष्म पितामह को सांत्वना दी, वो कैसे सांत्वना दे रहे हैं, महाभारत में कथा है। बहुत विलाप कर रहे हैं भीष्म पिता, ओ धृतराष्ट्र महाराज रो रहे हैं, सौ सौ बेटा मारे गए थे, दुर्योधन मारा गया था, तो दुर्योधन का गुण गा करके, दुशासन की याद करके और सब की याद करके रो रहे थे। तो भगवान के साथ सह कृष्ण, कृष्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज गए वहाँ हस्तिनापुर और उनको सांत्वना दे रहे थे, समझाए, समझा दिए। और गंधारीम च, और गंधारी जो सौ पुत्रों की जननी थी, वो बहुत दुखी थी पुत्रों के मारे जाने से, तो माता गंधारी को सांत्वना दिए कि यह है सुशीलता राजा की। ऐसा नहीं था कि बस राज मिला और तुरंत अब कार्ड छपाओ और राज्याभिषेक करो, ये करो वो करो। वे दुखी हैं अपने घर के, अपने बड़े पिताजी हैं धृतराष्ट्र महाराज, और बड़ी माँ है, वो दुखी है। युधिष्ठिर महाराज अपना कर्तव्य की, कृष्ण भगवान के साथ जा करके सबसे पहले सांत्वना दी, समझाए कई प्रकार से, कई प्रकार से समझाने में भी कहते हैं कि पिताजी लिखा हुआ था पुत्रों का वियोग, लेकिन मैं भी आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं, मैं वैसे ही सेवा करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं नहीं चाहता था कि युद्ध हो, अर्जुन नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध हो गया, ये सब लिखा था, ये सब ईश्वर का विधान है, आप चिंता मत कीजिए। फिर माँ को समझाने लगे, गंधारी को कई प्रकार से समझाए। उस समझाने का जो दृश्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर पढ़ने लायक है, सब क्या युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ये सब सीखना चाहिए कि परिवार के लोगों से कैसे संबंध रखा जाता है। तो जथा योग्य व्यवहार करना, संबंध रखना, जाकर सांत्वना दिए, और सांत्वना देने के बाद स्वयं धृतराष्ट्र महाराज इनको कहे कि बेटा तुम राज्य करो, तुम्हारा न्याय का राज्य है और प्रजा इस समय अनाथ है, तुम सक्षम हो, तुम योग्य राजा हो, तुम राजा बनो और प्रजा का पालन करो,
जब उन्होंने आज्ञा दिया कई बार, तब युधिष्ठिर महाराज स्वीकार किए। ये कई दिन लग गया राज लेने में। पित्रा चानुमत राजा वासुदेवानुमोदितः, धृतराष्ट्र महाराज ने कहा राजा बनने के लिए, और वासुदेव ने अनुमोदन किया, कहा कि बनना चाहिए निश्चित। तब चकार राज्यम धर्मेण पितृपयता महाम विभु, समर्थ राजा थे युधिष्ठिर महाराज, तो वे अपने पिता पितामह की परंपरा से प्राप्त राज्य को किया, अर्थात प्रजा का पालन करने लगे। पहले शुरू में कथा चालू हुई थी कि वे राज नहीं ले रहे थे, अब भीष्म पितामह के समझाने से, भगवान के समझाने से उन्हें ज्ञान हुआ, तब वे अपने माता पिता को समझाए, उनका शोक दूर किए, और इसके बाद धर्मेण राज्यम चकार, धर्म पूर्वक राज करते थे। राजा को जो वास्तविक कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते, धर्म का उल्लंघन कभी नहीं किए। आज के इन राजाओं को, मिनिस्टरों को सीखना चाहिए कि जो भी राज कर रहे हैं अधर्मेण राज्यम चकार, अधर्म से राज कर रहे हैं। जिनके राज में गऊओं की हत्या हो रही है, न स्त्रियों की सुरक्षा है, न बच्चों के विकास पर ध्यान है, कितनी पढ़ाई महंगी हो रही है इन बच्चों की, ये गरीब माता पिता हैं तो पढ़ा नहीं सकते, ये सब राज्य का दोष है और किसी का नहीं है। इन बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, फ्री पढ़ाई, भविष्य में उनका जीवन उज्जवल होगा, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना भार अर्थ का दिया जा रहा है, कई कई प्रकार के हर जीवों की हिंसा हो रही है, पशु पक्षी को तो कुछ समझाई नहीं जा रहा है, बड़े दुख में जनता। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। रामायण में कहा गया जिसके राज में प्रजा दुखी हो, प्रजा मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, ये पशु पक्षी भी प्रजा है, अगर ये दुखी हैं तो वह राजा निश्चित नरक में गिरता है, इसमें दो राय नहीं है। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, महाराज जो सिर्फ धर्म पूर्वक राज करते थे, ऐसा सुंदर राज्य किए कि इनके राज्य की तुलना भगवान श्री राम के राज्य से की जाती। दो ही राज्य तो हुआ, राम राज्य और कृष्ण राज्य, तो कृष्ण तो राजा बन नहीं सकते थे, जजाति महाराज का साप था, तो पूर्व महाराज के वंश में जन्मे हुए युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो वो कृष्ण का ही राज्य था। इनके राज्य का वर्णन भागवत में किया गया है, महाभारत में है, बहुत सुंदर। किसी की मति अधर्म में नहीं थी, सब धर्म पर चल रहे थे, वर्ण आश्रम के अनुसार सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही सो धर्म निरत श्रुति नीति। गौएं बहुत दूध देती थी, पेड़ पौधों में बहुत फल फूल लगते थे, प्रचुर अनाज होता था, सारी जनता सुखी थी और सबकी मति भगवान की तरफ लगी थी। लौकिक दृष्टि से सब समृद्ध तो थे ही, सभी भगवान की भक्ति करते थे। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया। अब सूत गोस्वामी सौनक जी प्रश्न करेंगे, जब बताइए किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया, पहले राज नहीं ले रहे थे, कैसे फिर राज स्वीकार किए, तब इस पर एक ग्रहवाद अध्याय चालू होता है। गत वर्ष यहाँ कुंती महारानी की कथा हुई थी और उसके क्रम से फिर भीष्म पितामह की कथा पूरी की गई, श्रील प्रभुपाद की दया से और आप वैष्णवों के सौहार्द से ये कथा पूरी हुई, और हमको तो बहुत आनंद आया, परंतु बीच बीच में मैं कुछ बहुत कड़ा शब्द बोलता था, उसके लिए क्षमा करेंगे, किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहिए सभा में, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है आवेश बस, ये अपनी मूर्खता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, उन सबको मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूँ, जैसे नीलमणि प्रभु न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से आए, प्रद्युम्न दास बाल्टीमोर से, वहीं पास में ही एक शहर है, वहाँ से आए,
और इनके साथ एक बच्चा भी आया है वो कथा सुनने के लिए और बहुत कृपा करके उसको बुलाए वृंदावन से, दिल्ली से आकर के वृंदावन में जाकर रहते थे एक महीना से, और नीलमणि प्रभु ने भी अपने पुत्र को बुलाया। तो इस तरह से और भी शहरों से, भारतवर्ष से बहुत से लोग आए हैं, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता पर सबको धन्यवाद दे सकता। कभी कभी भक्त मिलते हैं हमसे तो कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, लेकिन सत्य ये है कि हम लोगों में, हम में विशेष, हम में कहता हूँ, आशीर्वाद देने की थोड़ी भी शक्ति नहीं है, धन्यवाद देने की बहुत शक्ति है। हम धन्यवाद दे सकते हैं, आशीर्वाद तो ये प्रभुपाद जी देंगे, भगवान कृष्ण देंगे, चैतन्य महाप्रभु देंगे। तो मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ और कुरुक्षेत्र इस्कान के अध्यक्ष श्री साक्षी गोपाल प्रभु जी को भी भूरी भूरी धन्यवाद है। और इसके साथ जसपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके साथ रात दिन काम करने वाले प्रताप रुद्र और इक्ष्वाकु प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ। और भी बहुत से भक्त हैं जिन्होंने यहाँ भगवान की बहुत सेवा की है, कथा को सफल बनाया है, और जिन लोगों ने भी इस कथा में सहयोग किया है और जिन्होंने श्रवण किया है उनको भूरी भूरी धन्यवाद है। श्रवण करना भी वक्ता के उत्साह को बढ़ाना है और आयोजकों के उत्साह को बढ़ाना है, और इसमें कोई भी कमी रह गई है तो उसके लिए क्षमा करेंगे। भगवान में सबकी मति रहे, सभी परस्पर प्रीति करें, प्रेम से रहें और प्रचार करें। भगवान कृष्ण से विनय है कि इस्कान उनकी संस्था है, उनके विषय में भक्ति बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज है। इतना सुंदर नाम आज तक किसी संस्था का नहीं रहा, इंटरनेशनल सोसाइटी है। किस लिए, किस लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज है? फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज। क्या सुंदर नाम है इसका। और समाज बनते हैं पता नहीं किस उद्देश्य से बनते होंगे, संघ बनते होंगे, ये काम करना है, ये काम करना है, यह कृष्ण भक्ति के लिए बना है। कृष्ण भावना का अर्थ भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए समाज बना है। समाज का बहुत बड़ा बल है, बल होता है जब संगठित कोई 10 आदमी होते हैं, 1000 आदमी होते हैं, मिल करके जब कोई काम करते हैं तो उसका बल ही दूसरा होता है, फोर्स दूसरा होता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार कहते थे, एक बार मैं उनके साथ बैठा था, कल्याण का वो संपादन करते थे, तो हमारा पुराना नाम रख करके वे कहते हैं देखो 2 आदमी की शक्ति बहुत होती है। तो वहाँ कॉपी पर चित्र बना कर कहे 1 और 1 नीचे रखो तो कितना होगा, तो मैं कहा 2। मैं कहा कि 2 हुआ, 1 के नीचे 1 है तो जोड़ने पर 2 हुआ, लेकिन 1 फिर उन्होंने कहा 1 लिखा और 1 के बगल में 1 लिखा, ये कितना हो गया, 1 और 1 मिल करके 11 हुआ। तो देखो एक मति के जो 2 आदमी मिल जाए तो उनकी 11 गुना शक्ति होगी, अगर 3 मिले तो 111 हो जाएंगे, अगर और बढ़ाइए अगर एक एक और तो शक्ति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। वैसे अगर और मेल नहीं है तो 1 और 1 2 हुए, ऊपर नीचे हो गए, मतलब समता नहीं रही, मेल नहीं रहा तो 2 केवल रहे, और मेल हो गया ऊपर नीचे रहे अलग अलग तो 2 हुए, और साथ में हो गए तो 11 हो गए। हमें याद है भाई जी की वो बात हनुमान प्रसाद पद्दार जी, तो कहे कि इसी तरह से 1 होना चाहिए,
एकता से बहुत बड़ा बल मिलता है। मिल करके भगवान कृष्ण का प्रचार करें हम लोग। भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी, श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी हम लोगों में ऐसी मति दें कि हम लोगों में परस्पर प्रेम हो, बोधयंतः परस्परम, और हम लोग जगत में सबको भगवान कृष्ण से जोड़ सके। जितनी शक्ति भगवान ने दिया है सब समवेत शक्ति लगानी चाहिए, ऐसी भगवान कृपा करें। आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद। भगवान में मति रहें। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चार भगवान जाते हैं और बड़ी विनय से बोलते हैं कि देखो तुम्हारे कर्म बड़े खराब थे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, लेकिन नाराज मत हो। गुरु महाराज ने भी कहा, मैंने कुछ पर आक्षेप किए लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। ये गुरु महाराज विनय है, क्षमा तो हम मांगते हैं सभी कि हमसे कोई जीवन में अपराध हो, आपके चरणारविंद की कृपा से दूर हो, ऐसी याचना करते हैं। देखिए, हीरा जो है अपनी कदर नहीं जानता, ऐसे ही आप लोग अपना सौभाग्य नहीं जानते। तीन चीजें होती हैं, देश, काल और पात्र। तो देश है कुरुक्षेत्र, इससे सुंदर देश क्या होगा गीता जयंती के अवसर। काल है, गीता जयंती है आज, बहुत ही सुंदर काल है। देश है कुरुक्षेत्र और पात्र के रूप में हमारे बीच में विराजमान है श्री प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी महाराज। हम इनका बहुत बहुत ऐसी कामना आप सबकी तरफ करता हूँ। देखिए महाराज जी के नाम के साथ लगता है श्री, जैसे प्रभुपाद जी हुए या गुरु महाराज हुए, श्री लगता है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता श्री क्या होता है। श्री होता है, श्रीमान होता है, लेकिन श्री क्या होता है? तो श्री और श्रीमान उनके साथ लगता है जो सौभाग्यशाली है। जो व्यक्ति सौभाग्यशाली है उनके नाम के साथ श्रीमान लगता है या श्री लगता है, लेकिन श्री लगता है संस्कृत से बनता है श्रीयम लाती, ला आदाने धातु से बनता है श्रीयम लाती। जो सौभाग्य दूसरों को दे दे वो श्रील होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज श्रील, तो आप सबके जीवन में सौभाग्य लाए हैं और ये सौभाग्य हम संजो ले, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास आप करें। कान से हमेशा हरि कथा सुनते रहें। देखिए, आंख से यदि आप भगवान का दर्शन करते हैं तो आंख के सामने पलक आ जाती है, तो आंख तो बार बार बंद हो जाती है, लेकिन कान में कर लगा लग नहीं है, कान तो हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए कान से भगवान का दर्शन आपको महाराज जी कराते हैं ये कथा का। तो ये बहुत ही हम इसमें प्रयास करें और इसी प्रयास की कड़ी में आपको एक सूचना देता हूँ। आपको कानों से हरि कथा श्रवण कराने के लिए प्रयास किया है जमुना नगर के भक्तों ने। जमुना नगर में हरे कृष्णा प्रचार समिति है और हरे कृष्णा प्रचार समिति ने महाराज जी से आग्रह करके कथा का समय लिया है, जिसकी मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ। इसी साल, ये तो अभी दिसंबर है, अगले साल ठाकुर जी की कृपा से, तो अगले साल 1 अप्रैल से 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जमुना नगर में ठाकुर कथा का आयोजन है। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं और अभी मैं ये हरे कृष्णा प्रचार समिति के श्रीमान रामकृष्ण कृष्ण, जैसा कि घनश्यामपुर में अनाउंसमेंट किया, आपको कथा की बताया, जमुना नगर में हरे कृष्ण प्रचार केंद्र ने जमुना नगर के भक्तों ने आयोजन किया है 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सादर आमंत्रित किया है। मैं भी जमुना नगर की तरफ से आप सभी भक्तों को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप जमुना नगर में आए और वहाँ महाराज जी के पात्र बने। मैं महाराज से भी, महाराज के चरणों में भी आग्रह करना चाहूँगा। कुछ भक्त मिले थे मेरे, जो अभी भी उनके मन में संशय है, बहुत से भक्त हैं जिनके मन में भी संशय है, महाराज ने तो डेट दे दिया है जमुना नगर पहुँचे मानी महाराज जी आए। तो मैं महाराज से आग्रह करूँगा, महाराज स्वयं अपने मुख से ही सभी वैष्णव भक्तों का आमंत्रित करें, उन
उनको विश्वास दिलाए मैं जमुना नगर बस रहा हूँ कथक ये आपसे जरूर महाराज की बहुत कृपा हो श्रीमान प्रभु केशव दास कपिल जी सहारनपुर वाले श्रीमान सुरेंद्र शर्मा हरियाणा रोडवेज पूर्व क्षेत्र डिपो श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी मंच पर आए इन सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का बहुत अभिनंदन है जो भी भक्त यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है अब हमारे पास एक सूची है जिन्होंने नाना प्रकार की सेवाएं की हैं और बहुत ही सुचारू ढंग से योगदान दिया है लाउड वाले नाम लाउड साउंड वाले और लालचंद जी नीरज गुप्ता जी चरण पादुका की सेवा कर रहे थे योगेश कुमार जी मुनीष जी ये सब मंच पर आते रहे कृपया शीघ्रता से जो जो नाम हम कह रहे हैं चरण पादुका सेवा करने में योगेश कुमार मुनीष कुमार जी श्री भीतराज गोयल जी श्रीमान अनु वर्मा जी चाइल्ड हैं श्री लाला राम जी डायमंड स्वीट हाउस श्री लाला राम जी श्री नंदलाल जाम जी विजय अग्रवाल जी राजेंद्र दास प्रभु जी प्रचेता दास प्रभु जी नरेश पंडित जी कृपया बैठते रहिए देखते रहिए भक्तों का सत्कार होता है ये भी नेत्रों के लिए उत्सव है मुकुल मित्तल जी राम कुमार जी सुरेंद्र कुमार जी राजू रमेश और देवी सिंह लाउड वाले साउंड आइए आइए साउंड वालों की तरफ से आइए आज आपको एक अच्छी प्रसादी का मिलेगा नंदलाल जी की तरफ से फल आए हैं फलों की सेवा श्रीमान नंदलाल जी ने की है आज एकादशी का प्रसाद ग्रहण करें कथा आज विश्राम ले रही है जैसे भगवान शयन करते हैं वैसे ही कथा शयन करती है विश्राम करती है फिर प्रारंभ होगी बार बार आप कथा श्रवण करते रहेंगे इसके अलावा और भी भक्त हैं जो नाम सुनते हुए आते रहे विक्रांत रवि जतिन उमेश विक्रम राजीव विकास हिरण भानु छोटे छोटे नाम हैं पीयूष सारांश राजेश शर्मा सुधीर चीनी मनोज पाटिल दीपक विक्की चुकी चुकी जी श्यामलाल प्रदीप कुमार श्रवण जी यशपाल जी मोहित जी नीलू और धर्मपाल और लाल जी ये सभी अपने नाम से लिए होंगे सबसे निवेदन है जो सेवा किए हैं उनको भगवान कृपा करते ही हैं रवि गुप्ता जी फरीदाबाद से और बलबीर सिंह बस सेवा श्रीमान बलबीर सिंह जी जिन्होंने बस की सेवा की है उनको भी हम आमंत्रित करते हैं देखिए मुझे श्री गुरु महाराज ने आपको बताया कथा में जैसे भीष्म तरण भीष्म का एक अर्थ हुआ है तरण आज भी कहते हैं भीष्म की तरह है तरण बार बार को महाराज जी ने एक दो बार कहा पिज्जा नहीं खाना मतलब आहार में व्यक्ति दृढ़ हो महाराज जी ने कहा कि जैसे
जैसे युद्ध के अंदर क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता तो ब्राह्मण भी ठंड से नहीं डरता, तपस्या से नहीं डरता, ऐसा जीवन में दृढ़ता हो तपस्या के प्रति। और महाराज जी ने आपको ये भी बताया, विशेष करके भ्रांतियां बहुत फैली हुई है, लोग शुद्ध भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और भ्रांतियां फैली हुई है। भ्रांति क्या फैली हुई है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक ही चेतन है और एक ही चेतन है, सब जगह वही चेतन है, वही भगवान है, वही तुम हो। फिर बोले उपाधि का भेद है, उपाधि के कारण आप जीव बने और उपाधि के कारण वो भगवान हो गए, तो उपाधि को हटा दो तो एक ही तो रह गया, ऐसा लोग बना। देखिए विचार से सुनिए कि भाई उपाधि के कारण आप जीव हैं और उपाधि के कारण वो भगवान है, अब उपाधि को हटा दो तो चेतन चेतन तो एक ही है ना जी, ऐसा लोग कहते हैं। अब आप इनसे ये पूछिए कि आपसे अपनी उपाधि तो हट गई, आप बाबा जी हैं, सन्यासी जी हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, अपनी उपाधि तो हट नहीं ले, और किसी कारण आप अपनी उपाधि हटा भी लें तो भगवान से कैसे कहेंगे तुम भी अपनी उपाधि हटाओ है? किसी आप मेरे पास हो 10 रुपए और आपके पास हो 1,00,000 रुपए, बेईमान आदमी क्या करेगा, दोनों मिला दो फिर आधा आधा कर लेंगे है? भाई मेरे पास है 10 रुपए, आपके पास है 1,00,000 रुपए और मिला के आधा आधा कर दो, ये तो बेईमानी हो गई ना जी। तो आप कहते हो अपनी उपाधि हटा दो, उनकी उपाधि हटा दो, अरे अपनी उपाधि तो हटती नहीं, उससे कैसे हटाएंगे? खाली लोग हमें भ्रमित करते हैं। महाराज जी ने आपको बार बार, यद्यपि आज मैंने कहा मैं आक्षेप करता हूं लेकिन वो सत्य है, कोई आक्षेप है तो वो सत्य है। अरे अपनी उपाधि हटती नहीं और भगवान से कहो तुम भी हटा। एक बार क्या हुआ कि चूहों ने सोचा कि बिल्ली आती है हमको खा लेती है, तो क्या करें? बोले बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। तो चूहे बड़े खुश हो गए, चलो घंटी बांध देंगे, लेकिन समस्या तो ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा भाई? अपनी उपाधि हटनी नहीं और भगवान से कहो तुम भी छोड़ दो, भगवान काहे छोड़ देंगे? इसलिए भगवान की सत उपाधि, इसलिए जीव अपने स्थान पर है, भगवान अपने स्थान पर है। कोई कहते हैं माता में भगवान देखो अच्छी बात है, पिता में भगवान देखो अच्छी बात है, अतिथि में भगवान देखो अच्छी बात है, कोई गरीब हो दरिद्र हो उसमें भगवान देखो अच्छी बात है, लेकिन क्या देखो? अरे भगवान में तो भगवान को देखो, जब तक आप भगवान में तो भगवान को देखेंगे नहीं तो माता जी में क्या भगवान देखेंगे? माता जी की कोई सेवा कर रहा हो ज्यादा तो उस दिन लगता है 100 रुपए मांगेंगे, इसलिए भगवान में भगवान को देखिए। ये कथा हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाली है, श्री प्रभुपाद जी की गीता हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाली है। अब मैं आरती के
भीष्म कामार ने प्रतिज्ञा कर लिया था ये दुर्योधन कल या तो अर्जुन ही बचेगा नहीं तो अर्जुन को बचाने वाले की प्रतिज्ञा नहीं बचेगी। तब उस समय कौरवों के शिविर में जश्न मनाया जा रहा था और पांडवों के शिविर में मातम मच रहा था जी शत्रु और द्रौपदी महारानी रोए जा रही थी। उसको रोते रोते पुकार के पुकार के सैदान निकल गई रहता था शुरू हो गया आज किसी नहीं आ रहे। तब क्या हुआ भगवान रात्रि के तीसरे पहर तो हाँ कृष्ण को तब सुन आए और बोले कृष्णा इसे तो दो किलो निपट गई भगवान के चरणों से कि मेरा क्या करेगा मैं पांच पतियों की पत्नी होकर भी सती कराती हूँ कल क्या आपका घर बंद नहीं बचेगा। तो भगवान ने पूछा जिसने भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा किया है वो अर्जुन है कहाँ। तो द्रौपदी बोली वो तो मेरे शिष्यों में सो रहा है कि मुझे उसके पास लेके चलो।